वेलकम फ्रेंड टर्मिनल क्लासेज, स्वागत है आपका टर्मिनल क्लासेज में। इस वीडियो में हम क्या पढ़ने वाले हैं, इसके वीडियो में हम पढ़ने वाले हैं क्रिमिनल इन्वेस्टिगेशन को। क्या पढ़ने वाले हैं? क्रिमिनल इन्वेस्टिगेशन को। लॉ सीरीज में मैंने लॉ क्या होता है, सीआरआईपीसी क्या होता है, कितने टाइप के एफआईआर होते हैं, कैसे होते हैं, सबने देख लिया था हमने। अब टॉपिक पर बात करते हैं कि जब हमारे किसी के साथ कोई क्राइम हो जाता है, क्या हो जाता है? क्राइम हो जाता है, उस क्राइम में क्या हो जाता है, मतलब डेथ हो जाता है किसी, क्या हो जाती है? तो पुलिस क्या करती है, इन्वेस्टिगेशन करती है। क्या करती है? तो डेथ कंडीशन की बात करते हैं जो इसमें करती है। यदि किसी आदमी का डेथ हो जाता है, क्या हो जाता है? डेथ हो जाता है, तो पुलिस जो होती है अपने इन्वेस्टिगेशन के दौरान सबसे पहला काम क्या करती है, बॉडी की पोस्टमार्टम कराती है। कहीं पर भी कोई डेथ करता है तो बॉडी किसके लिए पुलिस भेज देती है? पोस्टमार्टम के लिए भेज देती है। किसके लिए भेज देती है? पोस्टमार्टम के लिए भेज देती है। पोस्टमार्टम क्या होता है, जब आदमी डेथ हो जाता है तो उसको किसी एक ऑथोराइज हॉस्पिटल में लिया जाता है, जहाँ डॉक्टर उसके अंगों को क्या करता है, खोल के कुछ इन्वेस्टिगेशन करता है, और उसी इन्वेस्टिगेशन से ये साबित हो जाता है कि अब किसी की भी डेथ हो रही है। किसी की भी दो चीज़ों से, या तो वो खुद सुसाइड कर लिया हो, या कुछ एक्सीडेंटल केस में डेथ हो गया हो, और नहीं तो किसी ने क्या किया है, मारा है उसे, उसका मर्डर किया है। तो हमने आईपीसी पढ़ा, आईपीसी 302 क्या कहता है कि अनलीगल तरीके से किसी का जान लेना क्या है, हत्या है। किसी भी अनलीगल तरीके से कुछ कुछ कंडीशन है जहाँ पर जान लेना क्या है, लीगल है, कि मर्डर भी क्या है, लीगल है। लेकिन अगर अनलीगल तरह से मर्डर कर दिया है तो वो क्या है, ऑफेंस है, और वहाँ 302 लगती है। तो कैसे पता करते हैं हम कि क्यों डेथ हुआ है, क्योंकि कुछ ऐसे क्रिटिकल कंडीशन होते हैं जिनमें मर्डर को भी क्या किया जा सकता है, सुसाइड में लोग बदल देते हैं। लेकिन अगर पुलिस जो बढ़िया से इन्वेस्टिगेट करती है तो तुरंत वेरीफाई कर लेती है कि ये मर्डर है कि सुसाइड है, मर्डर है कि। तो हम बात करते हैं पहला डाइटम की, और ये सारे चीज़ किसे निकलते हैं, बॉडी का जब पोस्टमार्टम होता है, क्या होता है? तो पहले वाले केस लेते हैं डाइटम। डाइटम क्या होता है, ये किस डाइटम को किस केस में चेक किया जाता है, यदि किसी व्यक्ति का जो मर्डर का केस है और वो पानी में डूबने से संबंधित हो, किससे संबंधित हो, पानी में डूबने से संबंधित हो, तो उसमें डाइटम की चेक किया जाता है। क्यों? पानी में डूबने में भी दो कंडीशन है, पानी में डूबने में भी, एक ऑफेंसर जो है खुद डूब के जान दे दे, दूसरा उसे पहले से क्या कर दिया जाए, मार दिया जाए और पानी में फेंक दिया जाए, और ये कहा जाएगा कि ये पानी में कूद गया था, पानी में कूद के जान दे दिया था। लेकिन जो पुलिस होती है अपने इन्वेस्टिगेशन में क्या कर लेती है, पहले से ही तुरंत पकड़ देगी कि ये पानी में डूब के मरा है कि पानी में डूबने से पहले ही मरा था। तो कैसे चेक करते हैं? डाइटम क्या होता है, पानी में पाया जाने वाला एक बैक्टीरिया होता है जो वाटर में इजली अवेलेबल होता है, हर वाटर में जो पीते उसमें भी होता है, ये हमें अपनी आँखों से नहीं दिखता है, आँखों से माइक्रोस्कोप से देखा जा सकता है। तो जब भी कोई आदमी पानी में डूबता है, जब भी कोई आदमी में पानी, तो हम अभी यहाँ पर हैं, सांस ले रहे हैं, यानी हमारे लंग्स में क्या जा रहा है, ऑक्सीजन जा रहा है, क्या जा रहा है, हम बाहर सांस ले रहे हैं तो क्या जा रहा है। जब कोई व्यक्ति पानी में डूबेगा तो पानी में डूबने से मर क्यों जाता है, जब वो पानी के अंदर जाता है तो उसके फेफड़े में क्या, ऑक्सीजन की जगह पानी चला जाता है, ऑक्सीजन की जगह क्या चला जाता है, जैसे लंग्स में ऑक्सीजन की जगह पानी चला जाएगा, सांस लेना बंद हो जाएगा, फेफड़ा क्या हो जाएगा, नसें वसें फट जाएंगी। तो यदि कोई व्यक्ति पानी में डूबता है तो उसके ऑब्वियसली बात है वो उसके लंग्स में क्या भर जाएंगे, पानी भर जाएगा, पानी, और वाटर में क्या पाया जाएगा, डाइटम पाया जा रहा है, जिससे अगर फेफड़े में डाइटम मिलने का ये वेरीफाई होता है कि इस व्यक्ति की डेथ पानी में डूबने से हुई है, ना कि ये पहले डूबने से पहले मर गया था। अब क्रिमिनल क्या करते हैं, यदि किसी व्यक्ति को मार दें, किसी व्यक्ति को और पानी में फेंक दें, तो पानी में जाने से पहले उसका बॉडी क्या था, डेड था, अब तो वो सांस नहीं लेगा, क्योंकि मारा हुआ आदमी सांस लेता है क्या, नहीं लेता है। मारने के बाद पानी में फेंकता है तो उसके बॉडी के जो फेफड़ा होगा उसमें कभी भी डाइटम नहीं जाएगा, उसमें ब्लड ही रहेगा, ऑक्सीजन रहेगा, क्योंकि सांस लेगा तो नू पानी अंदर जाएगा, पानी नाक कान मुंह बॉडी में सोख देती है लेकिन फेफड़े में कभी पानी। तो यदि कोई व्यक्ति को पानी में से निकाला गया है और डॉक्टर ये वेरीफाई किया कि डाइटम नहीं पाया गया, मतलब इसको पानी में फेंकने से पहले क्या किया जा चुका था, मारा जा चुका था, यहाँ पे केस क्या होता है, मर्डर होता है, क्या होता है, मर्डर लगता है, और जो भी कार्रवाई होती है। लेकिन यदि कोई क्या हो, किसी को जबरदस्ती डुबा के ही मारा हो, कोई पानी में किसी ने क्या किया हो, जबरदस्ती डुबा दिया हो, तो उस केस में क्या होती है, डाइटम तो मिलेगा ही, मतलब ये वेरीफाई होता है कि पानी में डूब के मरा है, ना कि डूबने से पहले होता है। हर चीज़ में कुछ अलग अलग एक्सेप्शन आज ही दे रहते हैं। नेक्स्ट टॉपिक की बात करें पॉइजन की, किसकी बात करें, पॉइजन। कोई व्यक्ति जहर खा लेता है तो पॉइजन भी क्या होती है, हमारे नर्व को ख़त्म करती है, हमसे डेड हो जाती है। तो पॉइजन को कैसे चेक किया जाता है, पॉइजन के लिए डॉक्टर क्या करता है, लीवर को देखता है, किसको देखता है, लीवर। लीवर यदि हरा हो गया है, पूरा क्या हो गया है,
मतलब इसने जो होती है खुद लिया है, क्या किया है। और व्यक्ति कोई गुस्सा में आकर वैसे कोई करेगा नहीं, क्रिमिनल की बढ़ावा नहीं दे रहा। व्यक्ति कोई खुद डायरेक्ट अगर क्या करता है, गुस्सा में आता तो कोई ले लेता है तो वो खुद लेता है, तो ज़्यादा मात्रा में जाएगा और वो डायरेक्ट जाएगा तो लीवर को क्या कर देता है, हरा कर देता है। क्या कर देता है, इससे ये साबित होता है कि इसने पॉइजन को खुद लिया, इसने पॉइजन को, लेकिन अब उसे क्या हो, किसी खाने में मिला कर दिया गया हो। क्या दिया गया हो, अब किसी व्यक्ति को जहर खाना होगा तो वो खाने में मिला कर ही क्यों खाएगा, वो तो खुद खा सकता है। खाने में मिला कर दिया गया है या किसी चीज़ में मिला कर दिया गया है, मतलब उसको जानकारी नहीं थी कि इसमें पॉइजन है और तब वो पॉइजन लिया है। तो जब खाने में या किसी और चीज़ में मिला कर दिया जाएगा तो लीवर ग्रीन ना होगा, क्या हो जाता है, ब्लू हो जाता है। क्या हो जाता है, ब्लू हो जाता है। तो जिससे ये डॉक्टर क्या करते हैं या पुलिस वेरीफाई कर लेती है कि ये पॉइजन वाले मामले में भी क्या है, इसने सुसाइड किया है और मर्डर किया है। कि अगर पॉइजन से सुसाइड है तो मैक्सिमम लोग क्या करते हैं, डायरेक्ट पॉइजन को लेते हैं, ना कि किसी चीज़ के साथ। तो ये नहीं सोचते कि भाई मरेंगे तो चलो बढ़िया चीज़ के साथ खा के मरते हैं, ऐसा नहीं करते हैं वो। क्लियर। तो दो टॉपिक में हमने देख लिया, दो टॉपिक में हमने, ये टॉपिक हुआ जलने का, यदि किसी व्यक्ति की डेट जलने से होती है, किसी व्यक्ति की डेट जलने से होती है तो कैसे पता किया जाएगा कि इसने खुद से आग लगाया या इसको आग लगा के मारा गया है। दो कंडीशन हो सकते हैं, किसी व्यक्ति को पेट्रोल छिड़क के मार दे या कोई खुद से आग लगा ले। क्या, तो इसमें क्या करते हैं, जब कोई व्यक्ति खुद से आग लगाता है, जब कोई व्यक्ति तो सारी चीज़ें जल जाएंगी, दो चीज़ें पूर्णतः नहीं जलेंगी। पहला जो पाँव का ताला होता है, तारू, जो पाँव का निचले वाला हिस्सा होता है, कोई व्यक्ति आग लगाता है या उसको जिंदा जलाएगी इस कंडीशन में, वो कभी भी पाँव का निचला हिस्सा नहीं जलता है, बाकी और चेहरे के भी मैक्सिमम पार्ट नहीं जलते हैं, क्योंकि आदमी छपटिया गया ऐसे ऐसे जरूर करता है, जब आग बेचैनी होगी तो और वो भागना शुरू करेगा। तो आगे का सर का आँख नाक कान कभी नहीं जलते हैं और ना ही पाँव का ताला जलता है, ये दो चीज़ें यदि खुद से आग लगाता है तो कभी नहीं जलता है। लेकिन हाँ, कोई उसका मर्डर किया है छिड़क के, तो ऑब्वियसली बात है क्रिमिनल कितना भी बढ़िया से क्राइम करता है कुछ ना कुछ गलती। अब कुछ लोग क्रिमिनल क्या करते हैं, मर्डर करते थे, हैदराबाद वाले में प्रियंका रेड्डी का केस वाला क्या था, लेटा दिए थे और ऊपर से पेट्रोल डाल दिए थे, वो पाँव के ताला वाला सब जला दिए थे और बगल में बाइक था, ये सीधा सा वेरीफाई था कि इसको क्या किया गया है, मारने के बाद जलाया गया है। तो जलने वाले केस में भी क्या कर सकते हैं, हम ये पकड़ सकते हैं। तो ये तीन मैटर समझ लिए। सबसे इम्पोर्टेंट मैटर आता है कौन, फांसी वाला, ये फेमस मैटर होता है। अभी हाल ही में सुशांत सिंह राजपूत का जो केस था फांसी पर, अब कोई व्यक्ति क्या है, अगर फंदे पर लटक के जान देता है या किसी की डेट पर बताया जाता है कि फंदे पर लटकने से हुआ है, तो इसमें बहुत ही क्रूशियल कंडीशन होता है पकड़ना। इसके लिए पुलिस कितने चीज़ों का यूज करती है, दो चीज़ों का, ओ सेप और वी सेप, ओ सेप और वी सेप। ओ सेप में क्या होता है, मर्डर होता है, क्या होता है, मर्डर होता है, और वी सेप में क्या होता है, सुसाइड होता है। क्या होता है, अब ओ सेप क्या होता है, यदि किसी व्यक्ति का डेट गले के दबाने से हुआ है, किसी व्यक्ति किसी का क्या कर दे, जब ये गला दबाता है तो जो दबाव का होता है यहाँ पर स्किन पे निशान नहीं पड़ता है, लेकिन डॉक्टर जब इसे स्किन को उठाता है तो मांसपेशियों पर बहुत सेंसिटिव होती है, यहाँ पर दबाव की जो दाग होता है ओ सेप का क्या बन जाता है। अब ऐसे इसको क्या करें, इस माइक रस्सी को हम ऐसे पकड़े, ऐसे पकड़े कसकसेंगे तो चारों तरफ क्या हो जाएगा, वो सर्कल बन जाएगा, नहीं बन जाएगा। तो अब इसलिए बात है कि कोई व्यक्ति इस तरह से जान नहीं दे सकता है, कस के खींचेगा, दर्द करेगा, ऑटोमेटिक छोड़ देगा। उसको जान क्या करता है, ऊपर से लटका के, और जब ऊपर से लटकेगा तो कोई ऐसे जब करेगा तो इसके हिसाब से ऐसे लटकता है, ऐसे लटकेगा, तो अब इसलिए बात है कैसा सेप बनेगा, ये नीचे से जब ये फंदा जब अपने ये मुँह है और इसे जब लटकेगा तो वी के सेप बनेगा, नहीं बनेगा, तो वी सेप बनना ये प्रूफ करता है कि अटेम्प्ट कुछ सुसाइड किया है। और यदि ओ सेप बनता है तो क्या होता है, मर्डर होता है। अब कोई व्यक्ति क्या करता है, पहले क्या करता है, गले दबा देता है और बाद में लटकाता है, तो नहीं, एक बार जो डेड हो जाता है पहले ओ सेप बन जाएगा तो बाद में उस पर वी सेप नहीं आएगी। तो इन सारे कंडीशनों से पुलिस क्या करती है, अपने इंटरोगेशन में क्या करती है, इन इन तरीकों का यूज करती है। आशा करता हूं आपको वीडियो बहुत अच्छी लगी होगी, ये वीडियो एज ए स्टूडेंट ही नहीं, अगर कोई सिविल स्टूडेंट भी हो तो उसे को बहुत ज़्यादा जरूरी है, क्योंकि घटना किसी के साथ हो सकता है। सतर्क रहें, सुरक्षित रहें, जागरूक रहें। धन्यवाद।